पीटीडी सीजी स्कूल में आप सबका स्वागत है। आइए व्यास से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अधिकतर आते हैं। प्रश्न है 7,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना छमाही की जाती है। हल, यहाँ पर मूलधन है 7,500 रुपये, दर 8% वार्षिक। अब 6 महीने में गणना होती है तो 4% छमाही हो जाएगा। समय एक वर्ष और एक वर्ष में 2 छमाही। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। तो हम इसमें मान रख देंगे, यह मूलधन 7,500 रुपये है, गुणा दर 8, गुणित समय 1 बटे 100। इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 75 गुणित 8 बराबर 600 रुपये। तो ये हुआ साधारण ब्याज 600 रुपये। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र है मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 और इसका था समय। तो यह चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 और एक धन दर बटे 100 का था समय। तो यहाँ पर मूलधन 7,500 रुपये है, एक धन दर 8% वार्षिक है, हमको गणना 6 महीने में करना है तो 4% अर्धवार्षिक होगा। तो 4 बटे 100, समय एक वर्ष है, एक वर्ष में 2 छमाही होंगे तो यहाँ पर रखेंगे 2, फिर ये 7,500। इसको हम हल करते हैं तो 4×5 और ये 25 बार में कट जाएगा, एक धन 25 के भाग 2 बराबर 7,500। जब हम इसको हल करेंगे तब उत्तर निकाल के तो इसका उत्तर आ जाएगा, जब 25×1/25 आगे चले तो 7,500 25×26/25 इसका बन, तो 7,500 गुणित 26/25 गुणित 26/25। अब हम इसको भाग दे देंगे तो 25 से भाग देते हैं पहले तो 25×1/25, तो इस प्रकार यहाँ पर 12×26×26 ये बच रहा है 20 से बन रहा है। बारह 26
प्रतिशत को हम गुणा करेंगे, तो 676 छब्बीस गुणित 26 कर जाता है और गुणित 12 छिकी 72 का जो 12 सत्ते 84 और 7 84 और 7 91 का 1 हासिल 9 और 12 छिकी 72 और 9 72 और 9 81 तो ये हो गया 8,112 रुपये मिश्र धन हुआ। अब हमको ये तो आया मिश्र धन 8,112 रुपये, हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर मिश्र धन भी मिलना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन आया है 8,112, मूलधन है 7,500 रुपये, इसमें से घटा देते हैं तो दो में से सूत्र बताएंगे, दो एक सूत्र बताएंगे, तीन इस हासिल के लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 5 बताएंगे तो 6 और 7 और 7 बताएंगे, तो इस तरह ये चक्रवृद्धि ब्याज आया 712 रुपये। अब हमको अंतर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर।